बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, वीडियो की करते हैं शुरुआत। आज मैं जा रहा हूं जो हरियाणा रोडवेज ने नई जो बस सुविधा हमारे लिए शुरू की है, उस बस में मेरे मम्मी पापा जी को बिठाने के लिए। तो अब हम देखेंगे कि ये सर्विस कैसी है और इसमें हमें क्या कुछ चार्जेस लगते हैं, टोल क्रॉस करना है या बस हमें कहाँ से पिकअप करनी है। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। हम जो है ये बैठेंगे यहाँ से, लागेंगे कोई नहीं, अभी ये लागेंगे, लाग जाएं। चलो भाई, वैलिड टैग। यहाँ से भाई हरियाणा रोडवेज की जो बस है उसके लिए देख रहे हैं। ये लीजिए, अंबाला नारनोल, अंबाला की तरफ जा रहे हैं हम बस पकड़ने के लिए। तो बस पकड़ने के लिए अगर दादरी वासियों को बस पकड़नी हो तो वो जो है यहाँ से ऊपर आइए और अभी आपको दिखाते हैं कहाँ से बस पकड़ी जाएगी आपको, बस कहाँ से आप मिल सकती है आपको बस सीधा चंडीगढ़ के लिए नेशनल हाईवे 152 पर। आ गए हम हाईवे पुल, कहाँ गया ये, आ गया जी ब्रिज के ऊपर। और ये कुछ लोग खड़े हैं, सवारियां जो कि बस में ही जाएंगे। तो ये सुविधा सही होगी यहाँ से, कल इसी पे से आया था। अच्छा, रात को भी यही 12 बजे सही हो गया फिर तो। हाँ। ये आ गई हरियाणा रोडवेज। चलो 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 चलो, आ जाओ ले ली, आगे चलो आगे चलो। तो ये आ गई है, हरियाणा रोडवेज। ये खड़ी हमारी टाटा पंच। तो अब हम जा रहे हैं यहां से उतरने के लिए चरखी दादरी वाले स्टॉप पर, रोड के साइड साइड चल रहे हैं और ये हम यहाँ से टर्न हो गए। जी हाँ, ये लीजिए, अगर आपको भी चरखी दादरी से चंडीगढ़ की तरफ ट्रेवल करना है तो आप इस तरह से आ सकते हैं। आप टोल पर आएंगे, टोल पर अपने व्हीकल से आना होगा। यहाँ रोडवेज जो है 8:08 पर जो है गाड़ी यहाँ पहुँची है और अभी मैंने जो है अपने मम्मी पापा को यहाँ से बिठाया और अब मैं टोल से एग्जिट कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं टोल से एग्जिट करने पर क्या चार्जेस करते हैं। मैंने इसी टोल प्लाजा से, फी प्लाजा से मैंने एंट्री की थी और एंट्री करने के बाद मैं यहीं से एग्ज़िट कर रहा हूं और देखते हैं कि अब एग्ज़िट पर क्या चार्जेस हमारे कटते हैं। ये रही 3 लाइन, यहां ओपन है और हम यहां जा रहे हैं लाइन नंबर 6 में। फास्टैग वैलिड, थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह से मैंने यहाँ
यहाँ जो है यहाँ से ट्रेवल किया और रास्ता जो है मैंने जाकर है। अब आपको यहाँ से अगर दादरी शहर की तरफ जाना है तो आपको यहाँ से ऊपर चढ़ना होगा। अगर आपको दिल्ली की तरफ जाना है तो आप लेफ्ट साइड से जो रास्ता गया है वहाँ से जा सकते हैं। ये फ्लाईओवर जो है आपको घुमाकर रोड क्रॉस करके आपको दादरी की तरफ जो रास्ता जा रहा है आपको वहाँ पर आपको स्टॉप करेगा, वहाँ आपको मिला देगा, उतार देगा। ये देखिए, ये वो सामने जो कोई गाड़ी जा रही है वो देखिए वो घूम रही है। यहाँ से ये जलेबी पुल से घूम रहे हैं, हम गोल गोल घूम रहे हैं। जैसे जलेबी गोल होती है वैसे ही ये पुल गोल है, बिल्कुल जलेबी की माफिक गोल है ये पुल। ये लीजिए, ये उतर गए। और ये सामने से दिल्ली वाला जो रोड है, दिल्ली चरखी दादरी, इसी रोड पर हम जो है ये देखिए ये कनेक्ट हो गए। और एक और हरियाणा रोडवेज बस जो दिल्ली से आ रही है चरखी दादरी की तरफ जा रही है। इस हाईवे ने हमारा समय तो बचाया ही है और साथ ही साथ हमारे पैसे भी बचा दिए। वो कैसे, तो मैं बताता हूँ आपको। चरखी दादरी से चंडीगढ़ का जो किराया है, वाया पानीपत हम जाते थे तो 360 रुपये लगता था, लेकिन इस हाईवे से जाने पर केवल 315 रुपये ही चार्ज देना होगा। तो हुई ना समय के साथ साथ पैसे की भी बचत। इस हाईवे से बस की सुविधा लेने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको समय से निकलना होगा। और हाँ, अगर आप स्कूटी लेकर जाते हैं तो कोई भी टोल चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप गाड़ी लेकर जाते हैं तो 35 रुपीज़ का चार्ज लगता है। इसके अलावा हम पैदल भी जा सकते हैं। पैदल जाने के लिए आपको लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा जलेबी चौक पर, तो हमें कम से कम आधे घंटे का तो समय एक्स्ट्रा चाहिएगा। तो समय पर जाइए। और वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइए। अगर आपका कोई और सुझाव हो तो मुझे कमेंट में करके बताइए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए।